इसको लेकर लोगों को प्रोत्साहित करने वाले विराट कोहली और मिलिंद सोमन से लेकर रोजिता दिवेकर जैसे लोग भी शामिल होंगे। कोविड 19 के समय में फिटनेस जीवन का एक और भी महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। ऐसे में इस संवाद में पोषण, स्वास्थ्य और फिटनेस के विभिन्न पहलुओं पर सामयिक और सार्थक संवाद देखा जा सकेगा। ठीक एक साल पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज, यही नए भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का रास्ता है। डिजिटल माध्यम के जरिए फिट इंडिया अभियान देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। पिछले एक साल में तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने फिट इंडिया वेबसाइट से फिटनेस के सरल नुस्खे सीखे। कहते हैं शुरुआत सही हो तो उसका प्रभाव भी असरदार होता है। आज 1.5 लाख से भी ज्यादा स्कूल फिट इंडिया सर्टिफाइड हैं। स्कूल्स ने ये वादा किया है कि अब वो एक पीरियड स्पोर्ट्स और फिटनेस के लिए रखेंगे, और ये तो अभी शुरुआत है। फिट इंडिया अभियान ने करोड़ों लोगों के मन में फिटनेस के प्रति रुचि जगाई है। तभी तो स्वस्थ भारत से स्वच्छ भारत जुड़ गया और शुरू हुआ एक नया अनोखा अभियान, प्लॉगिंग। वातावरण स्वच्छ रखेंगे तो स्वास्थ्य भी साथ रहेगा। प्लॉगिंग से ये दोनों मुमकिन है, एक तीर से दो निशाने। फिट इंडिया स्कूल वीक ने फिटनेस को अपनाने का एक मजेदार जरिया दिखाया है। फिट इंडिया के साथ आम आदमी जुड़ता गया, फिटनेस का कारवां बनता गया। फिट इंडिया साइक्लोथॉन ने इस अभियान को एक नई गति दी। अब फिटनेस की सरल भाषा पूरा देश समझने लगा है। फिटनेस में कोई भेदभाव नहीं, कोई भी कहीं भी कभी भी रह सकता है फिट। फिटनेस के इस जन आंदोलन में भारत की नारी है सबसे आगे। फिट इंडिया मार्च फॉर विमेन के दौरान नारी स्वास्थ्य पर खास बल दिया गया। कोरोना के खिलाफ महासंग्राम में फिट इंडिया ने कई कदम उठाए और करोड़ों देशवासियों ने कदम से कदम मिलाकर फिटनेस को अपने निजी जीवन से जोड़ दिया। फिट इंडिया लॉकडाउन सीरीज ने बच्चों और परिवारों को घर बैठे एक्टिव और फिट रहना सिखाया। फिट इंडिया ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ इंडिजिनस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया सीरीज बनाई। इस सीरीज से लोगों ने हमारे परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिट इंडिया योगा डे के दिन खेल राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू के नेतृत्व में शिल्पा शेट्टी, मैरी कॉम और अंजुम मौदगिल ने मिलकर योगा के बेनिफिट्स को घर घर पहुंचाया। फिट इंडिया टॉक्स में भारत के कई जाने माने खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स को फिटनेस से जोड़ा और अपने तजुर्बे को लोगों के साथ बांटा। फिट इंडिया फ्रीडम रन से नया भारत एक नई आजादी की तरफ बढ़ रहा है। आलसीपन से आजादी, रोगों से आजादी, करोड़ों देशवासी खुद से मुकाबला कर रहे हैं, फिटनेस की ओर बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन ने भारत को आत्मनिर्भर बनना सिखाया, घर बैठे अनुशासन बनाना सिखाया। रोग को निरोग में बदलने की शक्ति और युक्ति दोनों फिटनेस में है। आज फिटनेस बन रहा है नए भारत का नया मंत्र। फिटनेस के जन आंदोलन से जाग उठा है नया भारत। फिट इंडिया से जुड़ रहा है नया भारत। एक साथ, एक साथ, फिट इंडिया बेमिसाल। चलिए साथ बढ़े एक और साथ, फिटनेस की बने